हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। कोरोना के इलाज के लिए कोरोनिल दवाई बनाने का दावा करने वाले पतंजलि योगपीठ ने विवादों के बाद दवाई को लेकर यूटर्न ले लिया है। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने अब कहा है कि उन्होंने कोरोना की दवाई बनाई ही नहीं। आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक पतंजलि ने इम्यूनिटी की दवा बनाई है और इसके इस्तेमाल से कोरोना ठीक हो गया है। अब आचार्य बालकृष्ण कह रहे हैं कि कोरोनिल कोरोना की दवा ही नहीं है, लेकिन एक हफ्ते पहले जब इसे लॉन्च किया जा रहा था तो खुद योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज का दावा किया था। दवाई का दर्जा देने वाली जो प्रक्रिया, हम यहां पर एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की सारी व्यवस्था किए हुए हैं, तो हमने ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नीम्स के सहयोग से वहां पर 100 रोगियों को उन्होंने चुना और उसमें जिन रोगियों को दवा दिया जिनको दवाई नहीं दिया उनके पूरे जो है प्रभावों का मूल्यांकन किया गया। 3 दिन में 69% और 7 दिन में 100% पेशेंट रिकवर हो गए, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, किसी को कोई हार्म नहीं हुआ, 0% डेथ रेट रहा। यह बड़ी बात है और इसलिए दावा नहीं है, ये कोरोना की पहली आयुर्वेदिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। सुमित भाई, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया, तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयां बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयां दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज है ही नहीं। तो भाई कोई कहता है कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल फर्जी है, कोई कहता है दवाई फर्जी है, कोई कहता है क्लेम फर्जी है। हम यही तो कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई, हम कह रहे हैं कि जो दवाई बनाई थी वो क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के रोगी ठीक हो गए।